अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जितने भी फल बनाए हैं, आपको पता है कि उन फलों के साथ किस टाइम और कब फरिश्ते मुकर्रर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनाल टीवी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया। हर फल पर फरिश्ता मुकर्रर है। दुनिया में हर चीज एक ही निज़ाम के तहत चल रही है। एक एक दाने पर, एक एक फल पर फरिश्ता मतीन है कि इस फल को फला खाएगा, कि हर फल पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। इसलिए किसी ने कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बेशक एक आदमी रेडी पर रखा फल ले रहा है, एक फल उठाया इसे थैली में डाला, दूसरा उठाया इसे वापस रख दिया। क्यों? क्या आपको पता है क्यों? फरिश्ते ने दिल में डाला कि ये फल अच्छा नहीं है, दूसरा उठाओ, क्योंकि इसमें इसका नाम ही नहीं लिखा। छोड़ो इसको, ये तेरा नहीं। अब ये फल घर में गया। इसके हर हर टुकड़े पर फरिश्ता मतीन है। इसके छिलकों पर चोटियों तक का नाम मौजूद है। इसकी गुठली फला बकरी खाएगी। किसी पर जरासीम का नाम है, किसी पर मच्छर का नाम है। जिन चोटियों को यहाँ से रिजक लेना है, उनको अल्लाह ने खुशबू पहुँचाई। वो चलती हुई आई या रेंगते हुए, वो उड़ते हुए, वो चलते हुए, पांच आदमियों ने इस रोटी को खाया, वो निवाले इनके पेट में गए, तब फरिश्ता वापस होते हैं। ये मेरे रब का अनोखा, बड़ी शान वाला और कुदरत वाला निजाम है, जिसका इंसानी सोच अहाता भी नहीं कर सकती। अंदाजा लगाएं, एक छोटी सी शहद की मक्खी 30,000 अंडे देती है। क्या क्या निशानियां कुदरत ने बिखेर दी हैं। खुराक की नाली और फरिश्ता, एक हवा का, एक पानी का और एक रोटी का रास्ता है। वहाँ भी फरिश्ते को बिठाया हुआ है कि देख ये निवाला हवा के रास्ते में ना जाने पाए, और मेरा महबूब बंदा चाहे नाफरमान ही सही मर ना जाए। ये है हमारा करीम अल्लाह, जिसकी दिन रात हम खाते हैं और उसको नाराज करते हैं। गोबर से दूध का निकलना अल्लाह की निशानी। गाय ने भूसा भी खाया, चारा भी खाया, तीनों को अल्लाह ने इकट्ठा किया। अब वो आपस में मिलकर एक जज़्बा बन गए, और अब यही तीनों चीजें सारी दुनिया की बड़ी से मशीन में डालो, कोई बड़े से बड़ा भी एक कतरा दूध इसमें से नहीं निकाल सकता, मगर कुर्बान जाए इस मेहरबान आका पर। वो कहता है, मैं हूँ तुम्हारा रब, जो नापाक गोबर और खून के बीच से तुम्हारे लिए साफ सुथरा दूध निकालता हूँ। पानी का कतरा मोती कैसे बना? अल्लाह की जात बेमिसाल है, यकता है, वो तन तहाज में आसमान का बादशाह है। इसने पानी में सीपी को बना, फिर इस सीपी में पानी के कतरों को डाला, फिर इसके मुंह को बंद किया और इसे समुंदर तह में पहुंचाया, फिर इसी पानी का कतरा खूबसूरत मोती की शक्ल दी अपनी कुदरत से, फिर तुम में हुसन परस्ती को रखा, तुम तह में गए, इन सीपों को निकाला, इनमें से मोतियों को निकाला, फिर वो गले का हार बनेगा, सर का ताज बनेगा या अंगूठी का नगीना बनेगा। ये सब निजाम अल्लाह अपनी कुदरत से चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको मेरी दी गई मालूमात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।